آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. अजीज तलबा, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि दुनिया में इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी हुनर को, किसी ना किसी फन को सीखना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, और वो इंसान की ज़रूरत के अतबार से अलग अलग फन होते हैं। मसलन किसी को डॉक्टर बनना है तो वो अपने फन से मुतालिका चीज़ें सीखेगा, किसी को इंजीनियर बनना है अपने फन से मुतालिका चीज़ें सीखेगा, किसी को बड़ी बनना है तो अपने मुतालिका चीज़ें सीखेगा, वगैरह वगैरह। तो हर आदमी को अपने इल्म से, अपने फन से मुतालिका चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आप आलिम दीन बनने वाले हैं, आप इल्म सीखने के लिए आए हैं, तो उलमा के लिए क्या चीज़ें हैं जो उनको सीखनी पड़ती है? अगर आप उनको नहीं सीखते हैं तो फिर आप अच्छे आलिम दीन नहीं बन सकते। उलमा के लिए इस फन का सीखना ज़रूरी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी आप लोगों के साथ बात कैसे करें, अपनी बात लोगों को कैसे समझाएं, इस बात का सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपके इल्मे दीन सीखने का मतलब ये है कि आप अपनी मालूमात को, अपने इल्म को जो आपने हासिल किया है, उसको आप दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी ज़िंदगी भी कामयाब हो और आपकी ज़िंदगी भी कामयाब हो। जब ये बात समझ में आ गई कि हर इंसान को फ़न सीखना पड़ता है अपने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, दुनिया में जितने भी फ़नून हैं उन सब के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके दो फायदे होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको दो फायदे हासिल होंगे। एक तो आप बेटर बनेंगे, बेहतर से बेहतर बनते जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके जो दर्जात हैं वो बढ़ते जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे। दूसरा फायदा यह होता है प्रैक्टिस का कि जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, उस पर आपकी तवज्जो बनी रहती है और आप अपने इल्म के तहीं या अपने मकसद के तहीं जो है आप बिल्कुल यकसू होकर के लगे रहते हैं। तो ये दो बड़े फायदे होते हैं इंसान को प्रैक्टिस करने से। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। एक गेम होता है, क्योंकि प्रैक्टिस का ताल्लुक जो है गेम से ज़्यादा है, इसलिए गेम से मिसाल देना, मैं गेम से शुरू करूँगा। एक गेम होता है उसको बोलते हैं बास्केटबॉल। आपने देखा होगा डंडा सा होता है आदमी के हाथ में, एक सामने बॉल फेंकता है और उस बॉल को जोर से मारता है और फिर भाग के रन लेता है। एक क्रिकेट होता है, क्रिकेट अलग, एक बेसबॉल होता है उसमें ऐसे ही खेलते हैं कि डंडा सा होता है हाथ में, डंडा सा उससे मारता है, उससे फिर वो रन लेता है बाहर। तो इस बेस्ट बॉल का जो सबसे फेमस प्लेयर है उसका नाम है जोए डिमागो, बहुत फेमस खिलाड़ी है इसका। इसने अपनी ज़िंदगी में 56 मैच खेले, अपने पूरे करियर में इसने 56 मैच खेले और 56 के 56 मैच में एक बार भी आउट नहीं हुआ। 56 मैच में ये एक बार भी आउट नहीं हुआ। इससे पूछा गया कि भाई इसके पीछे क्या वजह है कि आप आउट ही नहीं होते, क्या है? उसने बताया कि इसके पीछे मेरी 17 साल की मेहनत है, मैंने इसके लिए 17 साल मेहनत की है, 17 साल मैंने प्रैक्टिस की है, तब जाकर के मैं इस मकाम पर पहुंच पाया हूं कि मुझे खिलाड़ी आउट ही नहीं कर पाते, मुझे खिलाड़ी आउट ही नहीं कर पाते। जितने बड़े लोगों के आप सुनते हैं किसी भी फील्ड में, जितने भी लोग हैं वो सब जो है अब प्रैक्टिस करते हैं, हर फील्ड का आदमी देखेंगे आपको प्रैक्टिस में लगा रहता है। एक मिसाल और लीजिए, स्पेन के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, वो बनाते हैं आर्ट, आर्टिस्ट हैं वो,
पेंटिंग बनाते थे, उनका नाम है पाब्लो पिकासो, स्पेन के थे वो। एक दफा वो कहीं बाजार में टहल रहे थे, एक औरत ने देख के उनको पहचान लिया कि आपको पाब्लो पिकासो। उसने कहा पहचान लिया तो बताइए। उसने कहा कि आप मेरे लिए कुछ छोटी सी पेंटिंग बना दीजिए, वो पेंटिंग बना दीजिए छोटी सी, ताकि वो मेरे लिए यादगार हो जाए। उसने पूरे 30 सेकंड में उसने अपनी पेंसिल वगैरह ली और एक पेंटिंग बना के दे दी उसको, 30 सेकंड में, आधे मिनट में। तो उसको देने के बाद उसने कहा कि ये पेंटिंग 45 लाख रुपए की है। 30 सेकंड में उसने 45 लाख रुपए की जो है उसने पेंटिंग बनाई। उस औरत को यकीन नहीं आया, उसने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, 30 सेकंड में 45 लाख रुपए की चीज बना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसको मार्केट में लेके गई। मार्केट में ले जाने के बाद उसने देखा, उसने जो है दुकान वाले को पेश किया कि ये पाब्लो पिकासो की जो है पेंटिंग है, इसके इसको कितने के लेंगे आप। उसने कहा इसको मैं 50 लाख रुपए की लूंगा, उसको 50 लाख रुपए की लूंगा। हक्का बक्का रह गया, उसको यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसने थोड़ी रिसर्च की, तहकीक की कि यार ये रहता कहाँ है पाब्लो पिकासो, ढूंढ रही। एक दिन उसको मिल गया वो, उसके घर में ही मुलाकात की। उसने कहा कि मुझे जो है ऐसी पेंटिंग सिखाइए जिसमें आदमी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की आदमी पेंटिंग सीखे, मुझे ऐसी पेंटिंग सिखाइए जिसमें आदमी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना सकता हो। उसने कहा तुम्हारी उम्र निकल गई है, इसको बनाने के लिए मैंने पूरी उम्र लगाई, मैंने पूरी उम्र प्रैक्टिस की, तब जा करके मैं 30 सेकंड में 50 लाख के 45 लाख रुपये की पेंटिंग बना पाता हूँ, ये 2 दिन में नहीं होता। तो जितना जिस चीज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप तरक्की करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके हुनर की, आपके फन की, आपके इनके वैल्यू बढ़ेगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक दफ़ा महात्मा गांधी ने और नेहरू ने, इन लोगों ने कहा मौलाना से कि आप इतने अच्छे मुकर्रर हैं, आप कभी तकरीर सुनाएं हमें। मौलाना ने बात टालने के लिए कहा कि मैं तकरीर ऐसे नहीं करूँगा, अगर मेरी तकरीर आप रेडियो पर जो है नशर कराएं तो मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है चलिए चलते हैं, स्टेशन चलते हैं और जाकर जो है इनको आप तकरीर कराते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करूँगा मैं, अगर आप मेरा पूरा सिस्टम आप अगर मेरे घर लगवाएंगे, अगर तकरीर का पूरा सिस्टम यानी जो FM होता था उस ज़माने का जो रेडियो की, अगर आप पूरा सिस्टम स्टेशन से उठाकर अगर हमारे घर ला के लगाएंगे तो मैं तकरीर करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो आजकल तो बहुत ही एडवांस ज़माना हो गया कि भाई रिकॉर्डिंग किया और यूट्यूब पर डाल दिया। उस ज़माने में सरकार बड़े लोग थे महात्मा गांधी ने, इन्होंने क्या किया उसके लिए इन्होंने 1 महीना लगा पूरा स्टेशन वहाँ से ट्रांसफर करने में मौलाना के घर पे। 1 महीने बाद जाकर पूरा सेटअप तैयार हुआ कि भाई मौलाना 1 महीने बाद तकरीर करने के लिए तैयार हुए। और मौलाना तकरीर कितनी देर के लिए की, आधे घंटे के लिए। पूरे सरकार की 1 महीने की मेहनत का नतीजा क्या दिया उन्होंने, सिर्फ आधा घंटा तकरीर। तो ये अपनी स्किल की बात होती है, अपने हुनर की बात होती है। तो आप अगर अपने हुनर में माहिर हैं, आप अगर आपकी अपनी प्रैक्टिस से आपने अगर अपनी सलाहियतों को आधा दर्जे तक पहुंचाया है तो लोग क्या करेंगे आपके लिए, महीने महीना खर्च करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, उसके लिए जो लोग आपको लाखों रुपये देंगे, लाखों भी देंगे, अल्लाह भी राजी होगा, आप दुनिया भी कमाएंगे और आखिरत भी कमाएंगे। तो ये अहमियत है स्किल्स की। एक मरकज़ बना हुआ है सऊदी अरब में, रियाद में है वो, उसका नाम है मरकज़ुल मलिक अब्दुल्ला अल आलमी लिल हिवार बैन अल अदयान व सक़ाफ़ात। ये मलिक अब्दुल्ला ने ये किया था अपने ज़माने में कि जब ये पता चला कि पूरे यूरोप में इस्लामोफोबिया का एक जो है माहौल बना हुआ है, लोग इस्लाम का नाम सुनते ही डरते हैं, इस्लाम का मतलब जो है कोई दहशतगर्द होगा, इस्लाम का मतलब जो है कोई हमें मारने काटने आ रहा है। जब इस तरह की चीज़ें हुई तो उन्होंने इस मकसद से उन्होंने इदारा बनाया रियाज के अंदर, अभी भी इदारा चलता है। तो उन्होंने उस इदारे में ये रखा कि जो मजाहिब सलासा हैं, जो इब्राहिमिक रिलीजन है, 3 मजाहब इस्लाम, यहूदी और ईसाई, चूँकि ज़्यादातर आबादी इन्हीं पर जो है इन्हीं के मुतालिक है और इनके उसूल आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, उनमें आपस में बात करने के लिए, उनमें आपस में डिस्कस करने के लिए, उनमें आपस में जोड़ पैदा करने के लिए और इस्लामोफोबिया के माहौल को खत्म करने के लिए उन्होंने ये इदारा बनाया, जिसका मकसद ये था कि भाई लोग आपस में करीब आए, लोग इस्लाम की दावत को समझें, लोग इस्लाम की बात को जो है सुने और उसके लिए जो है लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आपके अंदर अगर स्किल है, आप अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से अच्छे कर पाते हैं आलमी दिन होने के साथ साथ, तो फिर आपको हर जगह आपको पजीराई मिलेगी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। एक दफ़ा जो है उम्र की बात है,
नुमरे पर था, वहाँ पर जो है एक आलिम दीन से बात हुई, बड़े आलिम दीन है वो। तो उन्होंने कुवैत का एक वाक्य बताया, कुवैत का, कुवैत में एक मस्जिद उमर करके एक मस्जिद उमर है, बड़ी शानदार मस्जिद है। उन्होंने उसके अतराफ में उन्होंने बताया कि उसके अतराफ में उन्होंने बच्चों के खेलने का भी बनाया हुआ है और बच्चे भी आके जो है खेलते हैं कूदते हैं, वालिदैन आते हैं। और उन्होंने मस्जिद के बाहर एक टूरिस्ट पैलेस बनाया है, मस्जिद के बाहर उन्होंने टूरिस्ट पैलेस बनाया है और वहाँ पर उन्होंने ऐसे उलमा को मुंतखब किया है जो कम्युनिकेशन स्किल के माहिर हैं, जो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के माहिर हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान से और दुनिया भर के ममालिक से उन्होंने उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, हर जुबान के बोलने वाले उन्होंने हायर कर रखे हैं। उसका मकसद यह है कि जितने लोग वहाँ घूमने आते हैं यूरोप से और अमेरिका से, दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनको इस्लाम की दावत देते हैं। तो वहाँ की वो रिपोर्ट बता रहे थे कि रोज़ाना दो लोग कम से कम इस्लाम कबूल करते हैं रोज़ाना वहाँ पर, दो लोग रोज़ाना वहाँ पर इस्लाम कबूल करते हैं रोज़ाना। तो ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल की महारत है, उसके जरिए हम लोगों को इस्लाम तक लेकर आ सकते हैं, इस्लाम समझा सकते हैं, इस्लाम के बारे में उनको हम बता सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये जो बज़्म का सिलसिला है इसके दो बड़े फायदे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल में दोनों चीज़ें आती हैं। एक आते बोलना कि आप बोले कैसे, लोगों को आप समझाएं कैसे। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं कभी बात बताऊंगा कि कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, लेकिन मुझे बताना मकसद ये कि फिलहाल बज़्म जो है वो आपकी कैसे मदद करती है कि आप प्रैक्टिस करें और बेहतर से बेहतर आप जो है मुकर्रर बन के निकले यहाँ मदरसे से, और फिर आकर जाकर जो है आप दीन का काम भी कर सकें और अपनी जो है आखिरत संवार सकें, आप बेहतर से बेहतर आप जिंदगी गुजार सकें। तो कम्युनिकेशन स्किल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बोलना सीखना, एक होती है सुनना सीखना। ये हम सीखते नहीं, एक पूरी किताब है हाउ टू लिसन, आप सुने कैसे, सुनने का बेहतर से बेहतर तरीका क्या है। इंसान जो है एक स्टडी की गई कि इंसान नॉलेज कैसे हासिल करता है, सबसे ज़्यादा ही इंसान कैसे हासिल करता है, तो उससे पता चला कि इंसान अपनी मालूमात का 40% हिस्सा सुन के हासिल करता है। इंसान 40% हिस्सा इंसान मालूमात उसको कहाँ से मिलती है, कान से, और 35% जो मालूमात है इंसान को वो मिलती है इंसान को बोल करके। इंसान जब बोलता है अपने खुद की प्रैक्टिस करता है तो उससे उसको मालूमात हासिल होती है। तीसरा जो जरिया है उसके पास पड़ा वो 16% आपको मालूमात होती है पढ़कर, जो आप पढ़ते हैं दर्जे में या मुताला बाद में करते हैं उससे आपको 16% मालूमात हासिल होती है। और चौथी चीज़ वो है 9% लिख करके इंसान को 9% मालूमात हासिल होती है। तो सुनना इतना ज़रूरी है कि सुनने से जो है आप सबसे ज़्यादा मालूमात आपको सुनने से हासिल होती है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई करती है। देखिए मैंने पहली बात आपको बताई बोलना, कोई काम मुसलसल प्रैक्टिस से करना, प्रैक्टिस करते रहें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल आमाली इलल्लाह अद्वाहुमा, कि सबसे बेहतर अमल, सबसे महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक वो है जो मुसलसल हो, इस पर मुसलसल आप प्रैक्टिस करते रहें, वो अमल जो है आपके लिए सबसे बेहतर है। तो हमें रसूल ने सिखाया कि हम जो है मुसलसल प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे वो अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा होता जाएगा और जो अल्लाह के यहाँ महबूब होगा यकीनन वो लोगों के यहाँ भी महबूब होगा। दूसरी हदीस सुनिए सुनने के बारे में, अबुल वलीद उत्बा बिन रबिया, जानते हैं जब मक्के में सारे कुफार परेशान हो गए कि इस मोहम्मद से कैसे जान बचाएं, इसकी दावत तो बढ़ती जा रही है, उन्होंने उत्बा बिन रबिया को भेजा, और इसकी जो कुनियत थी अबुल वलीद थी कि भाई उत्बा बिन रबिया तुम जाओ, तुम अच्छे माहिर हो, बोलने वाले हो, तुम शायर भी हो, अच्छा बोलना तुम्हें आता है, तो जाओ और जाकर के जो है आप ऐसा करें इससे मोहम्मद से बात करके आओ। वो गए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद जी तुमने जो ये तफरीक कर रहे हो जो तुम कुरैश के अंदर और मक्के में जो तुमने तफरीक डाल दी है, तो अगर तुम औरत चाहते हो तो औरत दे देंगे, सियादत चाहिए तो सरदार बना देंगे वगैरह वगैरह, माल चाहिए तो पैसा दे देंगे, उसमें तीन आपके सामने बातें रखी। तो आप देखिए इसमें हमें सुन्नत क्या मालूम होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तीन बातें रखी। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना औरत चाहिए थी, ना आपको माल चाहिए था, और ना आपको जो है सरदारी चाहिए थी, तीनों चीज़ें चाहिए नहीं थी, लेकिन आपकी सुन्नत क्या थी, आपने उसकी पूरी बात आराम से ध्यान से बैठकर सुनी, चुप रहे आप, खामोश बिल्कुल सुनते रहे। फिर आखिर में आपने क्या कहा, अब फरा बताया अबल वाली ए उत्बा बिन रबिया, ए अबुल वाली तुम्हारा हो गया, तुम फारिग हो गए, क्या क्या अपनी बात। तो सामने वाला जो भी बात कहता है आप उसकी बात ध्यान से सुनिए, सामने वाला कोई बेवकूफ़ हो या सामने वाला कोई जो है अकलमंद हो, दोनों की बात आपको सुननी चाहिए। आप अकलमंद की बात सुनेंगे तो आपको कुछ अच्छा ही हासिल होगा, और अगर किसी बेवकूफ़ की बात सुनेंगे तो बेवकूफ़ शुदा वैसे ही नहीं जीत सकते।
हमारे सलफ में से गालिबन इमाम शाफी का मकौला है कि जब भी मैंने किसी आलिम दीन से बात की तो मुझे उससे भी कुछ ना कुछ हासिल हुआ, और जब मैंने किसी जाहिर से बात की तो मुझे उससे भी कोई ना कोई फायदा हुआ। तो जब आप यहाँ बस में आते हैं, आपको तकरीर करने का मौका मिलता है 5 मिनट कि भाई फला तालिबिन आएगा और 5 मिनट के लिए बयान करेगा, बात करेगा, अपनी जो तकरीर करेगा। बाकी जो आप यहाँ 1.25 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा बैठते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप सुनते हैं। ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। तो जितना आप बैठ के दूसरों को सुनेंगे, उनकी कमियों को देखेंगे, उससे इंसान जो है अपनी गलतियाँ दूर करता रहता है। आप गाड़ी सीखने जाएँ, गाड़ी सिखाते हैं, तो गाड़ी सिखाने वाले क्या करते हैं? आपको बता देंगे कि भाई ये गियर है, ऐसा लगता है, फर्स्ट तब लगेगा, सेकंड तब लगेगा, 4-5 गियर बताएंगे आपको, बैक किसे करते हैं और ब्रेक इस वक्त लेते हैं, हल्का लेते हैं कि तेज लेते हैं, वो सब बताएंगे आपको। और बाद में क्या कहेंगे कि देखो भाई हमने आपको बेसिक सिखा दिया है, अब आपको क्या करना है, जो ड्राइवर है उनके बराबर में बैठे, उनको चलाते हुए देखिए कि वो ब्रेक कब मारता है, वो स्पीड कब देता है, वो तेज कब चलाता है, वो ब्रेक जो है गियर कब बदलता है, वो सारी बातें कहेंगे, दूसरों को देख कर सीखिए। तो हमें जो है यहाँ पर बैठकर ये दोनों चीज़ें हासिल होती हैं, हमें सुनना भी हासिल होता है और जो है हमें यहाँ पर बोलना भी आता है। अब आखिर में मैं आपके सामने एक बात एक किस्सा सुनाऊँ ताकि आपके बातचीत ऐसी होती आदमी किस्से समझ में आती है। ये ख्याली किस्सा है। ख्याली किस्से का मतलब ये कि सच्चा किस्सा नहीं है, इसी लोगों ने बना रखा है लोगों को समझाने के लिए। जो मौलाना रूमी की जो मसनवी है उसका अक्सर हिस्सा ख्याली किस्सों पर ही है। ख्याली किस्से ये खलील जितना पढ़ते हैं वो सब ख्याली किस्से हैं। तो ख्याली किस्सों बनाए जाते हैं ताकि इंसान उससे कुछ सीखे। ये किस्सा है, ऐसा हुआ, एक बहरा था और गूंगा था, ना उसको बोलना आता था, यानी उसके पास कम्युनिकेशन स्किल के दोनों चीज़ नहीं थे, ना बोलना आता था उसको ना सुनना आता था, बहरा और गूंगा दोनों का। उसके पास बकरियाँ थी, एक बकरी का क्या हुआ, उसको चोट लग गई, वो लंगड़ी हो गई, तो वो जो लंगड़ी बकरी थी वो कहीं उधर जाते 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 गुम हो गई। वो तलाश करता 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 उसे एक औरत देखी, उसने कहा कि जो है मेरी एक बकरी है, आपने देखी कहीं इधर उधर? अब वो औरत जो थी वो भी बहरी गूंगी थी, औरत जो थी उसे भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं आते थे, वो भी गूंगी बहरी थी। उसने सोचा है, पूछ रहा है कि आपका खेत कहाँ है, उसने कह दी इधर है, रखे थे इधर, इधर भी उसने कहा इधर। तो वो जो है आदमी बहरा, उसने सोचा अच्छा इधर है मेरी बकरी, उसने सोचा कि बकरी को कह रही है, उसने सोचा कि खेत पूछ रहा है, तो वो उधर चला गया। इत्तिफाक से हुआ ये कि उसे वहाँ बकरी मिल गई, तो वो बकरी लेकर के अपनी आया, उसने सोचा कि यार इस बुढ़िया ने मेरी मदद की, इस औरत ने मेरी मदद की है, तो ऐसा करता हूँ कि बकरी, ये बकरी इसी को हत्या कर देता हूँ, ये रखेगी बेचारी कुछ पैसे कमा लेगी। उसने कहा कि आपने मेरी खिदमत की है, इशारों से कहा उसने कि आप इसको रखेंगे, आपके लिए जो है क्या है ये, आपके लिए जो है कुछ ना कुछ काम आएगी, नफा बख्श होगी आपके लिए। उस औरत ने सोचा है ये कह रहा है कि तूने मेरी बकरी की टांग भी तोड़ी, क्योंकि वही गूंगी बहरी थी। उसने सोचा कि तूने जो है मेरी बकरी की टांग लगड़ी थी, वो टांग भी तोड़ी। अब जो है झगड़ा हो गया दोनों में, वो उसे कह रहा है कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे रखो आप, वो कह रही कि तू मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। अब ये बात होते होते दोनों एक आदमी के पास गए, भाई चलो फैसला करें किसी आदमी से। तो जिस आदमी के पास गए वो भी गूंगा बहरा, उसके पास भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। वो जो औरत थी उसके पास एक बच्चा था, एक बच्चा उसने गोद में लिया, बकरी जो लंगड़ी बकरी थी वो साथ में ली, और वो आदमी और वो औरत सारे चारों के चारों चल दिए उस आदमी के पास। तो वो आदमी कह रहा है कि मैं उसको जो है हत्या करना चाह रहा था, वो कह रही है कि जिससे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो वो जो गूंगा बहरा आदमी था उसने सोचा कि केस जो है ना किस बात का है, ये जो बच्चा गोद में ले रही है, ये मर्द कह रहे कि बच्चा मेरा नहीं है और औरत कह रही है कि बच्चा मेरा है, बच्चा इसी का है। अब उसने देखा कि बच्चे की शक्ल तो इससे मिल रही मर्द से, तो उसने कहा कि बच्चा तेरी शक्ल में मिल रहा है तो बच्चा तुझे ही मानना पड़ेगा, इस औरत का भी खर्चा उठा, इस बच्चे का भी खर्चा उठा, घर जाओ तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। तो बात समझ में आई। इस ख्याली किस्से का मकसद ये है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखेंगे तो आप किसी का भला करना चाहेंगे नुकसान कर देंगे। आप किसी का, वो बेचारा उसका भला करना चाहता था, उस औरत का उसके साथ झगड़ा हो गया। आप इतना ज़रूरी है कम्युनिकेशन सीखना, इतना ज़रूरी है, अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक आलिम दीन होने की हिस्से से जितने बेहतर हमारे कम्युनिकेशन स्किल होंगे उतना जो है हम ज़िंदगी में तरक्की कर पाएंगे। कुरान करीम की एक आयत है, वो दुआ भी है, हमें उसकी दुआ मुसलसल दुआ पढ़नी भी चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमतन इन्नका अंतल वहाब। देखिए इसका जो तर्जुमा है लेकिन उसमें देखिए हिदायत, जब कुरान करीम में कोई हिदायत आता है तो उसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। उसमें से एक मानी है असबाब हिदायत। एक हिदायत के माने रास्ता दिखा देना, हिदायत मतलब असबाब हिदायत, जो हिदायत के असबाब हैं। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए अल्लाह हमारे दिलों को मत फेरिए उन चीज़ों से जो असबाब हिदायत आपने हमें अता किए, आपने जो हमें असबाब हिदायत अता किए हैं उनसे हमें दूर मत कीजिए। तो अल्लाह ताला ने आपको
जो बस होती है ये क्या है, असबाब है, ये आप कम्युनिकेशन स्किल सीखने का सबब है। आप इसकी जितनी कदरदारी करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे, और जितनी इसकी आप नाकदरी करेंगे उतने आप अपने आप को जो है आप जिल्लत में डालेंगे, परेशानी में डालेंगे, मुश्किल में आप डालेंगे। अल्लाह ताला आप सबको मन की तौफीक अता फरमाए और इस साल जो है इस बज़्म से बेहतर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वाफिर दावा।